डीआईआर डिफेंस ऑफ इंडियन रूल ये ब्रिटिश के बनाए हुए दोनों कानून थे, ब्रिटिश के बनाए हुए ब्रिटिश सरकार के, अंग्रेजों के दोनों कानून थे। और हमारे 1,25,000 लोग 22 महीने से ज्यादा मीसा में और डीआईआर में जेल के अंदर रहे, और ये राहुल हमें संविधान की रक्षा समझाने लगा है। बोलो ऐसे लोगों को सुनना है क्या? ऐसे लोगों को सुनना है क्या? जनता को सही बताना है कि नहीं बताना है? संविधान की रक्षा करने वाले कौन है? हम हैं। संविधान की रक्षा किसने की? और मालूम है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी? इसलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि तुम्हारा चुनाव अवैध है, इसलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, इसलिए कानून बदलने का काम उस समय किया गया और संविधान पर आघात लगाने का काम किया। मालूम है क्या कानून बनाया था? ये संविधान के चैंपियन बनने वाले, ये संविधान के रक्षक बनने वाले, इनकी दादी ने क्या कानून बनाया था? कानून था कि प्रधानमंत्री पर और राष्ट्रपति पर कोई सरकार से हटने के बाद भी नहीं चलाया जाएगा, ये कानून बनाया था। जिसके दाढ़ी में तिनका होता है ना, जिसकी दाल में कुछ काला होता है ना, वही ऐसी हरकत करते, क्योंकि इनके हाथ पाप से रंगे हुए थे, भ्रष्टाचार से रंगे हुए थे, और इन्होंने संविधान को इस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं आपको, यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने 90 बार चुनी हुई सरकार को गिराने का नवीन बाबू से पूछना, पिताजी बीजू प्रताप क्या गुजरी थी, किस तरीके से कांग्रेस ने शासन किया था और किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा गया था, कैसे बीजू बाबू को भी जेल में डाला गया था। आप पूछ पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पूर्व उप प्रधानमंत्री जेल के अंदर, सैकड़ों मंत्री जेल के अंदर, और ये हमको संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। मित्रों, हमारी जिम्मेवारी है ये खोखले लोग और ये खोखले नारे लेकर के चलने वाले लोग, इनको हमको दूध का दूध पानी का पानी बताना है, और ये जिम्मेवारी आपकी है, आप इसको पूरा करेंगे, मेरा ये पूरा विश्वास है। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलंतु नहीं।